गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स, आज आप लोग को इसलिए बुलाया जो हमारा यहाँ पे पपुमपारे और कैपिटल कॉम्प्लेक्स एरिया पे काफ़ी केसेस आ रहा है जहाँ पे ठगबाजी वाला। तो हमारा लोग अरुणाचल का लोग, हम लोग काफ़ी सीधा साधा है, तो सब आदमी को जल्दी जल्दी भरोसा कर लेता है, थोड़ा गलीबल भी है, जल्दी भरोसा करता है, उसके चक्कर में थक जाता है, लास्ट में फिर पुलिस का इर्द गिर्द चक्कर घूमता रहता है। तो फॉर दैट आई हैव कॉल्ड यू सो दैट आई कैन ब्रीफ रिगार्डिंग केस नंबर 1622 अंडर सेक्शन 406 आईपीसी। इसका रिगार्डिंग पे हम ब्रीफिंग करने के लिए आप लोगों को थोड़ा बुलाया है, और ताकि पब्लिक को, सो दैट आई कैन गिव अवेयरनेस टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक। ये ऐसा है, 24/3/2022 को एक केस आया जिसमें एक हमारा तन्ना तमर करके है, मिटपू का है, वो बोलता है कि उसका जो मैनेजर है, पैसा उसका जो पैसा जो बिजनेस का जो स्विमिंग पूल का उसका बिजनेस है मिटपू में, तो उसका जो पैसा है कलेक्शन है उसको लेके भाग गया, चला गया। तो केस आने के साथ साथ में हम लोग ने रजिस्टर किया, रजिस्टर करके हमारा एडिशनल SP कम SD, तो ये सब एक कमिटी टीम बनाया, टीम बना के उन लोगों ने जांच पड़ताल किया। तो बाद में फाइंड आउट किया कि ये जो ये पॉल दे वर्मा करके है जो ये है मैनेजर है, उसके बारे में वेरी बहुत पता किया, अलोंग विद द हेल्प ऑफ हमारा CMCU सेल है, साइबर का सेल है हमारा PHQ का हेल्प से, तो शिलोंग पे उसको लोकेट किया। तो उसको बाद में हम लोग पकड़ के लेके आया, तो बाद में उन्होंने खुद ही कन्फेस किया कि पैसा लेके उन्होंने भागा। तो इसके दौरान पे हमने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे या हमारा जो क्वेश्चनिंग के दौरान पे ये पता चला कि जो मालिक है, इम्प्लॉयर है जो ताना तमर, इसको जो जिसको रखा है काम पे पॉल देव वर्मा, उसका बारे में कैरेक्टर एंटीसीडेंट का कोई ये नहीं किया, नहीं करके ऐसे रख दिया। तो आदमी कैसे आदमी है, कैसे आदमी ने कुछ कैरेक्टर एंटीसीडेंट के बारे में कोई छानबीन नहीं किया, रखा, तो बाद में वो पैसा वैसा लेके भाग गया। तो उसके अदरवाइज में हम लोगों को उसका जो लोकेशन ट्रेस आउट करने के लिए थोड़ा तकलीफ भी मिला, क्योंकि उसके बारे में इतना ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वो था, इन्फॉर्मेशन था, लेकिन इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इसलिए ऑलरेडी ये केस क्रैक्ट है, हम ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है और खुद भी कन्फेस किया। बट इसमें हम पब्लिक को सबको एक मैसेज देना चाहता है, इसमें भी ताना तमर ने क्या किया कि 2-3 दिन का जो पैसा है, जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है या जो जितना भी बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, उसको लिया नहीं है। तो नहीं लिया तो इसके चलते पता चल गया, वो भी उसको भी एक टाइम मिल गया, वो लेके चला गया। तो अभी मैं बिजनेस कम्युनिटी में हमारा जो लोकल स्पेशली यूथ्स है या हमारा लोकल लोग इंडिजिनस लोगों को, अदरवाइज भी बाहर लोग भी जो है काम कर रहा है उसको भी एक सबको मैं अपील करता हूँ, जब भी किसी को वो इम्प्लॉय करके रखता है, उसमें जब भी इम्प्लॉय करके रखता है तो उसका कैरेक्टर एंटीसीडेंट किया जाए, ये आदमी कैसे प्रकार का है, कहीं कहीं जगह पे ये धोखाधड़ी किया ना नहीं किया, ये करके करने के बाद ही रखे, नहीं तो ऐसे ना हो कि काल को बड़ा सा रकम लूट के लेके चला जाएगा, अता पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे के रख के चला जाएगा। हमारे पास अभी भी 2-3 तो केसेस है, अभी भी ऑलमोस्ट क्रैक जैसा ही एक दो अभी फिर एक अरेस्ट वरेस्ट करके अभी भी लेके आ रहा है, इसको भी हम लोगों ने शिलोंग से अरेस्ट करके लेके आया, अभी भी एक है बाहर से फिर हम लोग अरेस्ट करके बनारस से एक लेके आ रहा है। तो वही वाला सेम चीटिंग का केस है, सेम ठगबाजी का केस है, तो ये रैम्पेंट हो रहा है। तो हम ये चाहेगा कि हमारा लोग जब भी जो भी है ये करें, कैरेक्टर एंटीसीडेंट करें, और इसके साथ में ये भी बोलेगा कि कुछ भी जो बिजनेस को खुद पर्सनली सुपरवाइज करें, ऐसे नहीं कि कोई मैनेजर रख दिया आप यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वो ना करें, खुद पर्सनली सुपरवाइज करें। जितना मुनाफा होता है डे में डेली बेसिस पे स्टॉक रजिस्टर बना के, इन आउट रजिस्टर बना के, हाँ, उसको खुद ही मॉनिटर करें, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना सामान आया, कितना सामान गया, उसको डेली बेसिस पे टाइम निकाल के, खुद का बिजनेस है अरुणाचल में, अभी हमको बिजनेस के सहारा ही अभी यूथ को भी उसको भी जीना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी करना पड़ेगा, बिजनेस भी खुद करना पड़ेगा। तो बिजनेस कर रहा है तो उसको ढंग से थोड़ा सिस्टमेटिक से टाइम देके थोड़ा करने से दिखे।
अदरवाइज कुछ भी ढंग से करने के बावजूद भी कुछ क्राइम व्राइम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम लोग है, काम कर रहा है हमारा SDPO साहब, OC साहब, हम लोग यहाँ काम लगा हुआ है। ये कहते हुए आप लोगों को थैंक यू कहता है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।